ओ शिट, मेरा तो रोजा था। अब्बू, आपको पता चला है टंकी में चूहे मरे पड़े थे। 24 hours later. बेटा ये जरा चटनी पास करना और जल्दी जल्दी सारी करो, टाइम खत्म होने वाला है। जी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, जरा ये कबाब देगा। अब्बू कबाब दे दें भाई। यार कबाब दे दो। अम्मी चाय ला दे। खाओ बेटा खाओ, ये ले चाय। चलो बेटा सारे निमटाओ, मैं जरा नमाज की तैयारी कर लूं। बे यार क्या हो गया भाई, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? अब्बू ने अलग मुंह बनाया हुआ, तुमने अलग बनाया हुआ, अम्मी भी चुप है, बिल्कुल कुछ बोली नहीं रही। अबे भाई तू क्या चाह रहा है, तू रोजा खोरी करे, रोजा नहीं रखे, बाथरूम में जाके पानी पी और लोग तुझसे बात करे। शर्म कर, इतना बड़ा हो गया, दाढ़ी निकल गई इतनी घनी सी, आज तक एक रोजा भी नहीं रखा है। अबे भाई आज के जमाने में ना बच्चे की भी रोजा खुशाई हो जाती है। घोड़ा तो भाई क्या करूं मैं, नहीं रखा जाता ना रोजा। अबे तो भाई मैं क्या करूं, मुझे तो सहरी करने दे, तेरी तरह रोजाखोर थोड़ी हूं मैं। अच्छा यार दो थोड़ा सा मुझे। मैं भाई कुछ तो छोड़ दो यार, रोजा कैसे रखूं फिर। अम्मी ये ले, ये सहरी बच गई है। बेटा उसको थोड़ा सा तो खिलाने थे। नहीं कोई जरूरत नहीं है। अबे यार तू खुद बता, यूनिवर्सिटी होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, बंदा कहाँ से रखेगा रोजा, घर वालों को कौन समझाए अब। अबे यार तू सही कह रहा है यार, कोई नहीं समझता हमारे जज्बात, मुझे भी घर वालों ने पकड़ लिया, इतना जलील करा तू सोच भी नहीं सकता। भाई कोई टेक्निक काम नहीं आ रही, सब कुछ पता चल गया घर वालों को और ये भी पता चल गया कि मैं रोजा खोर हूँ। अबे तेरा अब्बा आ रहे हैं, तू चुप फटाफट वरना सिल्लत के दर्शन हो जाएंगे, जल्दी जा। चुप। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत से हैं आप? अरे तुम तो इबाद के दोस्त हो ना। जी अंकल। तुम तो रोजा रखते हो ना, या तुम भी उस नालायक की तरह रोजा खोर हो? अरे नहीं अंकल, कैसी बात कर रहे हैं आप, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रोजा नहीं छोड़ता। बेटा अगर तुम्हें इबाद कहीं मिल जाए ना तो उससे बात मत करना, क्योंकि हम भी उससे बात नहीं कर रहे। क्यों अंकल? क्योंकि वो रोजा खोर है और हम रोजा खोरों से बात नहीं करते। अरे अंकल छोड़ देना, बच्चा है। बच्चा नहीं है वो, गधे का बच्चा है, और तुम बड़ी साइड ले रहे हो उसकी। कान खोल कर और दिमाग फाड़ कर मेरी बात सुन लो, अगर तुम मुझे उससे बात करते हुए नजर आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अबे यार इतनी देर से क्या बातें कर रहे हैं दोनों? अंकल आपकी कसम मैं उससे बात नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, चलो बेटा नमाज पढ़ने चलो। अंकल मेरे कपड़े सही नहीं है, मैं बदल के पढ़ लूंगा नमाज। जैसा खुद बगैरत है वैसे दोस्त भी बगैरत रखे हैं। ओए क्या बोल रहे थे अब्बा तुझसे? अबे तेरे अब्बा की तुझसे बहुत टाइट वाली हटी हुई है, और तेरे चक्कर में मुझे भी धमकी दी है कि अगर तुझसे बात करते हुए देखा तो मेरी टांगे तोड़ देंगे। अबे यार ऐसे तो मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मैं क्या करूंगा फिर? भाई तू अपने अब्बा के पास जा और रोना गाना कर, ठीक है ना, उनकी हाँ में हाँ मिला मान जाएंगे। हजरत एक जरूरी ऐलान समाज फरमाए, मेरा बेटा इबाद रोजा खोर है, और अगर कोई उससे बात करता हुआ पाया गया तो अपने अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। अबे भाई जल्दी निकल तू, अब तो ऐलान भी करवा दिया तेरे अब्बा ने, ऐसा नहीं हो तेरे चक्कर में मैं भी फंस जाऊं, जल्दी निकल। अब्बू इसको बोले थोड़ा लेफ्ट पे करे। आजा बेटा। हाँ थोड़ा सा कैमरे को लेफ्ट करो। अच्छा एक कैमरा थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, इसको साफ करवाए। हाँ एक काम करो, इसको उंगली से साफ करो। हाँ अच्छा अब्बू किचन लेना है पूरा? हाँ बेटा किचन लेना है। सही है सही है, थोड़ा नीचे करवाए फिर किचन पूरा नजर आएगा। नीचे कर नीचे थोड़ा सा। हाँ सही है सही है, अब बेहतरीन फोकस आ रहा है पूरा। सही है बेटा। अब्बू घर पे क्या करवा रहे? अब्बू कैमरे लगवा रहे हैं भाई। थोड़ा सा ऐसे घर के अंदर कौन लगवाते हैं कैमरे? भाई अब्बू कह रहे हैं घर में कोई चोरी हो रही है। अपने कमीज से चोरी कब हो गई भाई घर के अंदर हमारे? यार पता नहीं, अब्बू से जाके खुद पूछ ले भाई तू। अब्बू कह रहे हैं कैमरे लगेंगे ना, तो ना चोरी होगी ना रोजाखोरी होगी।
चलो चलो। अच्छा यार मेरी अब्बू से जरा बात तो करना काम करो इसको। ओ भाई मुझे कोई शौक नहीं है शेर के हाथ में मुंह डालने का, शेर के मुंह में हाथ डालने का, कुछ जाके बात कर ले भाई। बे यार मुझसे बात ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या हो गया। जी जी अब्बू सही आ रहा है फोकस। ठीक है बेटा ठीक है। कैमरे वाले भैया थोड़ा सा नीचे करो, मैं जरा स्क्रीन में देख कर आता हूँ, स्क्रीन में पता चलेगा ना कैसा नजर आता है, मोबाइल में क्या व्यू नजर आएगा, असल तो स्क्रीन का व्यू होता है ना। अब्बू बेटा मुश्किल, इसको बोलो कि थोड़ा सा कैमरा नंबर 2 नीचे करे। मुझे पता है आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मैंने रोजा रख के रोजा तोड़ दिया था ना, इस वजह से ना आप मुझसे बात कर रहे और आपने सबको मना कर दिया कि कोई मुझसे बात ना करे। हम रोजा खोरों से बात नहीं करते। अब्बू प्लीज ऐसे नहीं करे, मुझसे बात कर ले। अच्छा कर लेते हैं बात, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि तुझे रोजा रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैं रख लूंगा रोजा, लेकिन आप लोगों ने मुझे सहरी तो करने नहीं दी, सब कुछ मेरे आगे से उठा लिया। वो हमारा मसला नहीं है, वो तेरा मसला है। चले कोई बात नहीं, मैं अब बिना सहरी का रोजा रखूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा रोजा रख के। अब भी देखते हैं। बड़ा आया। अब तो सबको पता चल चुका है कि मैं रोजा खोर हूं और सबकी नजरें अब मेरे ऊपर ही होंगी क्योंकि पूरे घर में कैमरे जो लग गए हैं। अब मुझे फूक फूक कर कदम लेना पड़ेगा और रोजा तोड़कर रोजा खोरी करनी पड़ेगी। हाँ भाई पी लिया पानी? ओ भाई फजूल की बात नहीं करो, रोजा रखा है मैंने और वो भी बगैर सहरी का। अबे चल कैमरा लगा है, घंटा पानी पिएगा। बेटा ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अबू, वो मैंने फ्रिज खोला और अचानक से आवाज आना शुरू हो गई इसमें से। बेटा वो आवाज नहीं थी, वो अबू ने अलार्म लगाया है। अलार्म? लेकिन अबू लोग तो गाड़ियों में अलार्म लगाते हैं, आपने फ्रिज में क्यों अलार्म लगवा दिया? असल में ना हमारे घर में हो रही थी चोरियां, इसी वजह से हमने इसमें अलार्म लगा दिया और कैमरे लगा दिए चारों तरफ। वैसे बेटा तुम यहाँ कर क्या रहे थे? अम्मी कुछ नहीं, बस वो गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी ठंडी हवा ले लेता हूँ। कुछ नहीं अबू, वो मैंने सोचा थोड़ा से फ्रूट काट देता हूँ, अम्मी की हेल्प हो जाएगी। तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अम्मी फ्रूट काट लेंगी, तुम अपने रोजे पे फोकस करो। जी अबू ठीक है, रख देता हूँ वापस। हाँ भाई इसने अभी तक रोजा रखा हुआ है या अभी रोजा तोड़ दिया? अब्बा इसने कोशिश तो बहुत की लेकिन अभी तक तोड़ नहीं पाया। ये क्या किया आप लोगों ने, पूरे घर में कैमरे लगा दिए, बाथरूम में भी लगा दिए, ये कोई इंसानियत है? मेरा बेटा कोई चोर है क्या? चोर? अरे वो चोर नहीं, रोजा खोर है और रोजा खोर चोर से भी ज्यादा बड़ा होता है। ये सब तुम्हारी शय की वजह से हुआ है। अम्मी शुक्र करें कैमरे लगा दिए इसलिए रोजा तोड़ नहीं पाया, वरना अभी तक रोजा तोड़ भी देता।
ये लाइट कैसे चली गई? लोड शेडिंग का टाइम तो नहीं था बेटा। एक काम करो, टॉर्च जलाओ। टॉर्च? जी अबू, मैं टॉर्च जलाता हूँ। अरे पागल, वो तेरी माँ है। अच्छा अम्मी, आप थी? और कौन था बेटा? मैं थी बेटा। मैं समझा कोई चुड़ैल है। अरे जाओ बेटा, जल्दी से देखो क्या मसला हुआ है। मैं तुम्हारे भाई को देखता हूँ। अब्बू, ये तार निकला हुआ लग रहा है मुझे यहाँ से। अबे यार, ये जब से स्टोर में तार लगाया ना, उस वक्त से ये चिरांद हो रही है। बेटा इधर आओ मेरे पास। क्या चिरांद हो गई है ये तार की, देखना तो सही। अबे रोज़ा खोर!